दोस्तों एशिया कप 2022 का आगाज भारतीय टीम ने शानदार तरीके से किया है। ब्लू आर्मी ने अपने पहले ही मुकाबले में पाकिस्तान टीम को 5 विकेट से शिकस्त दी थी। अब इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारतीय टीम का अगला मुकाबला 31 अगस्त को हांगकांग के साथ है। टीम इंडिया चाहेगी कि वो इस मुकाबले में जीत हासिल कर आसानी से अगले मुकाबले के लिए क्वालिफाई करे। वहीं विपक्षी टीम हांगकांग की भी कोशिश होगी कि वो टूर्नामेंट में शानदार तरीके से आगाज करे, क्योंकि उसके लिए पहला ही मुकाबला होगा। ऐसे में बात करें भारतीय टीम किस प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतर सकती है, तो वो इस प्रकार होने वाली है। हांगकांग के खिलाफ मैदान में एक बार फिर से रोहित और राहुल की जोड़ी पारी की शुरुआत करती हुई दिखाई देगी। हालांकि दोनों ही बल्लेबाज अपने पिछले मुकाबले में कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, लेकिन दोनों की बल्लेबाजी क्षमता से हर कोई काफी अच्छे से वाकिफ है। मध्यक्रम की जिम्मेदारी विशेष रूप से विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव के कंधों पर होगी। वहीं कप्तान रोहित शर्मा बल्लेबाजी में और गहराई लाने के लिए आवेश खान की जगह ऋषभ पंत को प्लेइंग 11 में शामिल कर सकते हैं। अगर पंत इन होते हैं तो आवेश को टीम के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि वो काफी लंबे समय से कम ही प्रभावी दिखाई दिए हैं। इसके अलावा मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक और रविंद्र जडेजा के कंधों पर होगी। पिछले मैच में उन्होंने बढ़िया काम करके भी दिखाया था। हांगकांग के खिलाफ कप्तान रोहित शर्मा दो और तेज गेंदबाजों के साथ उतर सकते हैं। इसमें भुवनेश्वर कुमार और अर्शदीप का खेलना लगभग कन्फर्म नजर आ रहा है। इसके अलावा तीसरे तेज गेंदबाज की भूमिका में हार्दिक पांड्या रहने वाले हैं। विशेषज्ञ स्पिनर के रूप में आप युजवेंद्र चहल को खेलते हुए देख सकते हैं। वहीं पांचवें गेंदबाज की कमी रविंद्र जडेजा आसानी से पूरी कर सकते हैं। तो दोस्तों 31 तारीख को होने वाले इस मुकाबले के बारे में इस प्लेइंग 11 का आपका क्या मानना है, कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। किसी भी क्रिकेट अपडेट्स के लिए अभी जुड़े टेंस लगेगा।